अज मेरी कहानी, मैं सूफिया दा राजा, नशे च मेरी रानी रानी। हे गाइस, वंस अगेन गुड आफ्टरनून, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो अभी आज घर आ गए हैं आरा, तो फिर प्लान कर रहे थे स्केटिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया ऐसे स्केटिंग करते हुए और मेरा स्केटिंग भी बहुत गंदा हो गया, तो उसको थोड़ा सा पूछ लेते हैं। और उसके बाद सोचते हैं आरा जंक्शन पे चले जाए स्केटिंग करने या आरा टाउन में। तो अभी तो कुछ सोच रहे हैं, अगर एक और पार्टनर मिल गया तो हो सकता है तो टाउन में भी जा सकते हैं, अगर नहीं मिला तो हो सकता है आरा जंक्शन या अकेले भी हम आरा जाएंगे ऐसे टाउन में करने स्केटिंग। तो भी थोड़ा चलता है स्केटिंग को पूछने। स्केट्स में ऐसे बहुत धूल लग गया है तो थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि हम मुंबई गए थे तो बहुत दिन हो गया, तो ऐसे अभी स्केट को साफ करते हैं, पूरा धूल ही धूल लग गया है। स्केटिंग ऐसे इसको पोंछ कर और इसको धोकर रेडी कर दिए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, तो थोड़ा सोच रहे हैं और ऐसे बहुत यहाँ पे गर्मी है तो थोड़ा और देर होने दो, उसके बाद हम चलते हैं स्केटिंग करने इन आरा। जैसे घर से बाहर निकल गए और अभी हम जा रहे हैं स्केटिंग करने, और धूप थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऐसे जैन कॉलेज तक जाते जाते कम से कम आधे घंटे तो हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे धूप है तो थोड़ा धीरे धीरे ही जाएंगे। तो अभी चलते हैं जैन कॉलेज, वहाँ से फिर स्केटिंग लगाएंगे और फिर चलेंगे थोड़ा ऐसे आज टाउन में। तो ऐसे घर पर ही अभी सॉक्स भूल गए, तो अभी जा रहे हैं फिर एक सॉक्स लेकर, उसके बाद ही चलेंगे यहाँ से, क्योंकि सॉक्स ज़रूरी है, सॉक्स नहीं रहेगा तो फिर स्केटिंग करने में दिक्कत होगा। चलते हैं सॉक्स लेने, फिर सॉक्स लेके अभी चलते हैं यहाँ से घर से। तो कल हम ऐसे दिल्ली थे तो दिल्ली से ये सॉक्स लिए थे, क्योंकि हमको याद था कि घर जाएंगे तो सॉक्स होगा नहीं, तो एक सॉक्स ले लिए थे। अभी ये सॉक्स छूट गया तो फिर अब लेके इसको चलते हैं जैन कॉलेज। हे बड़ी, ऐसे हम आरा जंक्शन आ गए हैं और अभी चलते हैं यहाँ से जैन कॉलेज। तो हे गए, जैसे हम आ गए हैं हरि प्रसाद मतलब जैन कॉलेज, और यहाँ से जाना है हमको कहीं स्केटिंग लगाने के लिए, इसे वेट करना है, तो वहीं देखते हैं सब प्लेस जहाँ पर स्केटिंग लगाएं हम। जैन कॉलेज के थोड़ा सा आगे से हम स्केट निकाल कर रख दिए, यहीं पर स्केट लगाते हैं, और बहुत दिन बाद ऐसे नया स्केट लगा रहे हैं। चलो फिर स्केट लगाते हैं, उसके बाद फिर क्या हाल चाल है? ठीक है, मस्त। आप बताइए। मैं बढ़िया हूँ, चलो साथ में करते हैं। हम तो ऐसे स्केट लगा लिए हैं और ब्रदर भी स्केट लगा रहे हैं एक दुकान पे ऐसे बैठ कर, और ऐसे ब्रदर रेडी हो गए। हेलो एवरीबॉडी, अभी हम लोग ऐसे आ गए हैं भोजपुर दारा जंक्शन और भोजपुर कतिराम मोड़, यहाँ से अभी हम मुड़ रहे हैं। ब्रदर को एक शूज लेना है, तो अभी चलते हैं हम लोग मार्केट में अंदर शूज लेने। तो अभी हम लोग स्केटिंग करके आ गए हैं रमना मैदान, और बहुत भीड़ लगा है उस साइड, तो तगड़ा भीड़। ब्रदर को एक स्केटिंग लेना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे एक स्पोर्ट शूज की दुकान पे। तो ब्रदर अभी एक स्पोर्ट के शूज पे आ गए हैं, और यहाँ से इनको सेगा का ऐसा जूता लेना है, तो अभी दुकानदार पूछ रहे हैं कि सेगा का जूता है। हम लोग एक दुकान पे गए हैं ऐसे शूज लेने, लेकिन शूज मिला नहीं, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट और मेरे साइड दुकान पे। लगे तू मेनू, मैं तेरा हो गया। ये घर है, आई डोंट नो, पता नहीं है मेरे को, लेकिन ध्यान तो नहीं, बस यही यहीं पे कोई घर है ऐसा। और ऐसा स्केटिंग करते करते आगे नए वाले ओवर ब्रिज, अभी हम उस साइड होंगे ओवर ब्रिज की, अभी चलते हैं हम उस साइड। और अभी हम लोग ऐसे न्यू ओवर ब्रिज ऐसा मस्त चढ़ रहे हैं। Come on, brother. Nice. Well done. और अभी मरवाड़ी जनशताब्दी बनारस जा रही है अभी। ऐसे हम लोग ओवर ब्रिज पे आ गए हैं, और ऐसे अभी हम लोग ओवर ब्रिज से नीचे जाने, पहली बार आज ऐसे ओवर ब्रिज से नीचे हम दोनों जाने वाले हैं। यहाँ आराम में जाएंगे, कंट्रोल में, बस धीरे धीरे ऐसे कंट्रोल करते हैं। ये काफी स्मूथ है। हाँ, और बहुत स्पीड चल रहा है, हवा भी साथ दे रहा है। हाँ, तो अभी चलते हैं ओवर ब्रिज के उस साइड, और अभी ओवर ब्रिज से बिना कुछ किया ऐसे अपने आप ये चक्का ढूल रहा है, तो अभी चलते हैं हम ओवर ब्रिज नीचे। और थोड़ा सा प्रेस दे करना पड़ा ऐसे अपने आप ओवर ब्रिज से नीचे ऐसा सोच। बाजार समिति आ गए हैं मोमो खाने, हम और ये लाइट जला दो। अभी नहीं, दिस इज फाइनल, कंप्लीट हो गया हमारा जर्नी फ्रॉम पटना टू आरा, और मैं जा रहा हूँ अब अपने रूम पर, और ये अपने रूम पे जा रहे हैं, इट मीन्स एट होम।
ऐसे स्केटिंग करते करते अभी हम अपने घर के पास जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पे स्केटिंग ऐसे खोलेंगे और थोड़ा बीच में ऐसे सब्जी ले लेते हैं। तो आफ्टर स्केटिंग करने के बाद और स्केटिंग से खोल भी रहे हैं और वहाँ पे ऐसा घर जा रहे हैं, ऐसा थोड़ा सब्जी ले लिया और पानी, चलते हैं घर पे। ऐसा स्केटिंग करके आगे घर पर पूरा पसीना पसीना भींगे है, तो चलते थोड़ा सा नहा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे स्केटिंग करके बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि स्केटिंग ऐसे ग्रुप में करते तो और अच्छा लगता है। यहाँ पे और भी बच्चे सीखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेरा मन करा ऐसे क्लास खोले, लेकिन अभी कोई ऐसा प्लेस नहीं मिला इसलिए क्लास नहीं खोल पाया, लेकिन क्लास खोलने वाले हैं। गाइस तो रात के बज गए ऐसे 12, क्योंकि एक मूवी मैं देख रहा था कब से ऐसे, तो बहुत मस्त मूवी, बहुत तगड़ा मूवी था, मतलब इतना अच्छा मूवी था ना क्या ही कहना, और मूवी का नाम योद्धा, बहुत मस्त मूवी था, मेरे को मूवी बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा ब्लॉग इन करते हैं, वीडियो एडिट करना होगा, और आप कमेंट करके बताना आज का अरम स्केटिंग कैसा लगा आपको, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना।